नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपने कम उम्र में ही जिन्होंने अपना सपना हासिल किया और अपने साथ साथ अपने गांव की उन 10 बेटियों को भी मुकाम हासिल करने में, उनका सपना साकार करने में सहयोग किया है। और हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के बंथरी गाँव की एक ऐसी नारी शख्सियत शक्ति, जिसने आज अपने बचपन में ही जिनके पिता गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपने को साकार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी राजावत, जो कि इस समय ग्वालियर थाने में से SI है, उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। त्रिवेणी राजावत जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। थाने पर और मैं अजीरा थाने के साथ साथ पुरानी छावनी और मारापुरा थाने का भी मेरा संबंधी कार देखती हूँ। मेरे बचपन से ही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँगी, और जो मेरे फादर थे उन्होंने शुरू से ही मुझसे कहा था, बेटा कुछ ऐसा आगा बढ़ के करना जिससे कि अपने देश का, समाज का नाम रोशन हो सके। तो मैंने अपने फादर का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस विभाग को चुना। इसके अलावा मैंने कोई भी अन्य डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं देखी, और मैंने इसकी घर पर रह के सेल्फ स्टडी की। मेरे परिवार के, गांव के, समाज के लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया, फिजिकली मेरी तैयारी करवाई रिटर्न की। मैंने सेल्फ स्टडी करके गांव में ही रह के मैंने पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2011 में दी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं आज वर्तमान में 7 साल से मैं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रही हूँ। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सभी को लगा लड़कियों को एक नया रास्ता मिला। नहीं, इससे पहले केवल शिक्षा विभाग में ही लड़कियां जाना चाहती थी, और उनके परिवार और समाज के लोग भी केवल शिक्षा विभाग में ही जाने के लिए अलाउ करते थे। पुलिस विभाग में जाना लड़कियों के लिए मुझसे पहले कहीं ना कहीं सही नहीं मानते थे। सोच ये थी कि नहीं, पुलिस विभाग की नौकरी लड़कियों के लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो लोगों की सोच बदली, सभी को लगा नहीं, पुलिस विभाग में भी लड़कियाँ जा सकती है, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन कर सकती है। मुझे देख के और भी परिवार के लोगों ने, लड़कियों ने तैयारी की, मैंने भी उनका सपोर्ट किया, उनको बताया कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है, कैसे रिटर्न की तैयारी करनी है, कैसे क्वालिफाई करना है। तो मुझे देख के मेरे गाँव की लड़कियों ने तैयारी की, और वर्तमान में 3 लड़कियाँ सब इंस्पेक्टर हैं, कीर्ति राजावत हैं और शिवानी जाधव हैं, और 7 लड़कियाँ कॉन्स्टेबल। त्रिवेणी राजावत जी, क्या अब जिस प्रकार से आपके बारे में बताते हैं कि बंथरी गांव में जिस प्रकार से आपने शिक्षा अध्ययन की, कम उम्र में ही आपके पिता का साया जो उठ गया था, और उस समय आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आप अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, बाहर जाके पढ़ाई कर सकें, फिर आपने गांव में ही कैसे तैयारी की? जी बिल्कुल सही कहना है आपका। मेरे पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, मेरी माँ ने ही मेरी परवरिश की, पढ़ाई की। मैंने गांव में ही सेल्फ स्टडी करके अपने टीचरों के सहयोग से, गांव के लोगों के सहयोग से मैंने 10th और 12th किया। बालाजी कॉलेज से मैंने BA किया, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करके और मैंने ये पुलिस विभाग को ज्वाइन किया। मैं कहीं भी बाहर कोई कोचिंग के लिए नहीं गई, मैंने घर पर रह के ही सेल्फ स्टडी की, क्योंकि कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन मेरे जो सपने थे वो बहुत ऊँचे थे, मुझे कुछ मुकाम हासिल करना था। मैंने ये दृढ़ संकल्प बना रखा था कि नहीं, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे इस विभाग में जाना है, एक नया आयाम बनाना है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए एक नया रास्ता बनाना है। सही है कि जो पुलिस विभाग की नौकरी है वो 24 घंटे की नौकरी होती है, उसमें कोई टाइम टेबल की नौकरी नहीं रहती है, या 24 की नौकरी रहती है 10 से 5 या 10 से 6। लेकिन पुलिस विभाग में आपको 24 घंटे की नौकरी रहती है, रात में, दिन में, कभी भी आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा विभाग है कि जिसमें आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं, लोग आपके साथ डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, और हर किसी को पुलिस से उम्मीद रहती है कि नहीं, ये केवल पुलिस वाला व्यक्ति जो मेरी मदद कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने काम का मतलब आनंद लेती हूँ, बहुत खुशी से उसको करती हूँ, अपने जो स्टाफ है उनके सपोर्ट से, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सपोर्ट से काम मैं मैनेज घर में कर लेती हूँ। कहीं कोई मुझे अभी तक 7 साल की नौकरी में ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।
अभी सपोर्ट भी मिलता है, अब परिवर्तन भी आ गया है, पहले ऐसा नहीं रहा है। लेकिन ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, 24 घंटे की नौकरी रहती है। अभी भी आपने देखा है जो कोरोना महामारी चल रही है उस दौरान में, और सभी जो विभाग हैं वो घर से उनका काम चल रहा है, लेकिन पुलिस स्वास्थ्यकर्मी ये लोग बराबर 24 घंटे और ज़्यादा उनकी ड्यूटी बढ़ गई है और ज़्यादा उनकी ड्यूटी चल रही है। लेकिन अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा हम अपने समाज और देश के काम आ सकें, लोगों का सपोर्ट कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, बराबर लोगों को समझाया ड्यूटी की कि भाई मास्क का यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बगैर किसी आवश्यकता के घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन फिक्स की गई है उसके अनुसार ही आपको जाना चाहिए, भीड़ इकट्ठे नहीं करना। लोग भी सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है कि इस विश्व महामारी के दौर में मैं लोगों को कुछ जागरूक कर पा रही हूँ, उनको बता पा रही हूँ, उनके जीवन की मैं रक्षा कर पा रही हूँ। इससे बढ़ के शायद मनुष्य के जीवन में और कोई काम नहीं हो सकता जो दूसरों के काम आ सके। राजावत जी, किस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से आपने पुलिस सेवा में जो आप लगातार से कार्यरत हैं, तो आपने क्या अनुभव पाया, सही मायने में सही और स्वस्थ पुलिसिंग किसे मानती है आप? पुलिस का सही कर्तव्य क्या होना चाहिए जनता के प्रति? अच्छा करना और उनके जीवन की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा व्यक्ति का कर्तव्य है, उनको सही रास्ता दिखाना। राजा बच्चे क्या कहेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं राज्य पुलिस के सामने पड़ता है, पुलिस भी कहीं ना कहीं नर्वस हो जाती है और सही गलत का फैसला नहीं हो पाता है, कि आप मानते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। अगर कोई आपसे किसी संबंध में बात नहीं करता है, अगर आप उसको सही बात बताएंगे, परिस्थिति से आप अवगत कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने के लिए आपको बोलेगा, बशर्ते आप उसको सही स्थिति से उसको बताएंगे, तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं होती है। लेकिन आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी बात को अच्छे से मजबूती के साथ रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर नाजायज काम करने के लिए दबाव नहीं बना सकता। पूर्ण सवाल है नारी शक्ति के लिए, जिस प्रकार से आज अक्सर महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, महिलाओं को जिस प्रकार से कानून ने भी आत्मबल के लिए तमाम कानून बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं असहाय नज़र आती हैं और उनके साथ आए दिन शोषण होता दिखाई देता है, उन महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, आप पुलिस के साथ साथ एक महिला होने के नाते? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वो पढ़ लिख के आत्मनिर्भर भी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी तो उसका शोषण नहीं हो पाएगा। और अगर उसके साथ शोषण होता भी है, कहीं अन्याय होता भी है, तो उसको अपने अधिकारों का, अपने कानूनों का ज्ञान होगा तो उससे वो लड़ सकती है अपने अधिकारों के लिए। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित के साथ साथ उसको आत्मनिर्भर बनाइए तो आप उसके भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते। पुलिस के ओर से क्या कानून बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? पुलिस की ओर से महिला थाने अलग से बनाए गए हैं, महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई है, महिला हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, अलग से जन सुनवाई भी होती है। तो पुलिस के ने भी अलग से बहुत सारे प्रावधान बना रखे हैं, महिला विशेष शाखा है, उसके माध्यम से हम लोग जो महिलाओं से संबंधित समस्याएँ होती हैं उनका निराकरण करते हैं, उनको सुनते हैं, समझाइश देते हैं, और कहीं ना कहीं अब उसमें महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं, अपनी बात रखने में भी सक्षम हो रही हैं और उनका पुलिस द्वारा निराकरण भी किया जाता है। चलिए आखिरी सवाल आपकी जन अदालत न्यूज़ पर है और तमाम दर्शकों के लिए और महिलाओं के लिए, एक त्रिवेणी राजावत के रूप में जो पुलिस वाली दीदी जिन्हें लोग कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और कोई भी नौकरी किसी के लिए ख़राब नहीं होती है, बस आप अच्छे हो तो हर दिमाग अच्छा है, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने गाँव का, देश का नाम रोशन करें, आत्मनिर्भर बने। जब आप खुद आत्मनिर्भर होंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे और अपनी भी मदद कर पाएंगे। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, सभी लड़कियों से मेरा यही है कि आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और आगे और सेल्फ डिपेंड करें। और मेरे गांव में भी अभी 10 लड़कियां सिलेक्ट हो गई हैं।
हैं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब भर्ती निकलेगी तब तक बंथरी गांव की लड़कियां नाम रोशन करेंगी और इस विभाग में जाके समाज में अपनी सेवा देंगी। अल्लाह ताला न्यूज़ की आज की खास मेहमान थी ग्वालियर था ग्वालियर से हमारे साथ लाइव इंटरव्यू पर जुड़ी हुई थी एसआई त्रिवेणी राजावत, जिन्होंने अपने साथ साथ 10 बेटियों का सपना साकार करने में उन्हें प्रेरणा दी, जिन्हें लोग पुलिस वाली दीदी के नाम से उनके गांव में लोगों ने पुकारते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने भिंड जिले का नाम रोशन किया है अपने गांव के साथ साथ। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और त्रिवेणी राजावत से यदि आप सहमत हैं तो उनके लिए कमेंट बॉक्स में उनके लिए लिखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।